नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के अब 3 चरण बचे हैं, 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। जिन चरणों में मतदान हुआ है वहां कुल 373 सीटें थी, यानी लोकसभा की कुल 69% सीटों को अगर देखा जाए तो वहां चुनाव हो चुका है। आगे के जिन 3 चरणों में मतदान होना है वहां कुल 169 सीटें हैं। बीते चरणों के मुकाबले भले ही बाकी के चरणों में कम सीटें हों, पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए तीनों चरण बेहद महत्वपूर्ण हैं, सबसे चुनौतीपूर्ण हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि सन 2014 के चुनाव में यहां की 116 सीटों पर उसी दल का कब्जा था जो इस वक्त सत्ता में है, यानी भाजपा की कुल जीती 282 सीटों में 116 सीटें सिर्फ बाकी बचे इन 169 सीटों में आई थी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत में हर कुछ शुमार है। ये महज संयोग नहीं कि चुनाव के आखिरी 3 चरणों की तरफ पहुंचते पहुंचते मोदी की भाषा, उनका तेवर, तौर तरीका और ज्यादा स्तरहीन होता गया है। अपनी रैलियों में वह जिस तरह की भाषणबाजी करते नजर आ रहे हैं वैसी आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की थी। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री शायद ही अपनी चुनाव सभाओं में इस तरह की भाषा बोलता हो जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश का चुनाव आयोग इस तरह की भड़कावे भरी सांप्रदायिक विद्वेष या उग्र सैन्यवादी तेवर की भाषणबाजी को क्लीन चिट भी देता नजर नहीं आएगा। पूरी दुनिया को उठाकर देख लीजिए, चाहे जनतंत्र के मामले में वो नए देश हों या पुराने देश हों। 5वें से 7वें चरण के बीच जिन राज्यों में मतदान होना है उनमें प्रमुख राज्य कौन कौन है आप गिनिए। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, बंगाल है, हरियाणा है, पंजाब है और झारखंड है। ये प्रमुख राज्य हैं। 5वें फेज में 51, 6ठे और 7वें फेज में 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अगर भाजपा ने बाकी बची इन 169 सीटों में कम से कम 100 सीटों पर जीत नहीं दर्ज की तो फिर से सरकार बनाने का उसका जो सपना है मैं नहीं समझता कि पूरा होने वाला है। स्वयं संघ और भाजपा के जो इंसाइडर हैं वो मान रहे हैं कि बीते हुए 4 चरण के मतदान वाली जो सीटें हैं वो पार्टी को 100 से कुछ कम सीटें मिलेंगी। ऐसे में वो अगले 3 चरण में 100 सीटें भी नहीं पाती तो दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी। चुनाव के इस गणित की वजह विपक्षी दलों की मजबूती नहीं है, कम से कम मैं नहीं मानता कि विपक्षी दलों की मजबूती के कारण ऐसा हो रहा है। दरअसल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है कामकाज की, एक तो वो कारण है बहुत ही निराशाजनक, और देखिए विपक्ष बेहद बिखरा हुआ है। सांगठनिक रूप से देखिए तो दरिद्र है, धन शक्ति के मामले में वो बीजेपी के आगे बेहद विपन्न है, कमजोर भी नजर आ रहा है। फिर भी भाजपा नेताओं और उम्मीदवारों को ये गर्मियां क्यों झुलसा रही हैं? उसकी वजह जैसा मैंने पहले कहा कि एक तो सरकार से लोगों की नाराजगी, आम लोगों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, दलित और सबाल्टर्न हिस्सों की जो नाराजगी है वो इस कदर है कि वो दिखाई भले ना पड़े लेकिन आप अंदर अगर जाइए तो आपको समझ में आता है। मोदी जी को चारों तरफ घूम घूम कर पुलवामा और बालाकोट के बारे में बोरे भर कर झूठ बोलना पड़ रहा है ताकि लोग उन्हें वीर पुरुष माने, पर मोदी जी भूल जाते हैं कि लोग उनकी बातों में यकीन भी कर लें थोड़ी देर के लिए तो वीर पुरुष उनको क्यों मानेंगे, वो सैनिकों को मानेंगे, दिल्ली में बैठे किसी नेता को क्यों मानेंगे। और मोदी जी सैनिकों को कितना तवज्जो देते हैं इसका खुलासा तो अभी हाल ही में बनारस में हो गया। बीएसएफ के एक पूर्व सैनिक तेज बहादुर यादव की उम्मीदवारी से सत्ताधारी दल इतना डरा कि बहुत लचर आधार पर उसका नामांकन ही रद्द करा दिया। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात सवाल बनकर उभर रही है कि सन 2014 के चुनाव में जो नेता सिर्फ विकास की बात करता था, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता था, वो सन 2019 में आते आते 5 साल सरकार चलाने के बाद सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, सरहद, बम, गोला, परमाणु बम, पुलवामा, बालाकोट, न जाने क्या क्या बातें करने लगा है। किसान, नौजवान, दलित, मजदूर और भारी संख्या में बेरोजगार लोगों के दिलो दिमाग में उठते ये सवाल मोदी के लिए मुश्किलों का पहाड़ बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत दिलचस्प आपको बताता हूं,
हमारे भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है इसके एक बहुत बड़े नेता हैं, इनका नाम है राजीव प्रताप रूडी। ये मंत्री भी रहे हैं और अभी उम्मीदवार हैं बिहार के सारण निर्वाचन क्षेत्र से जो छपरा कहलाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में मैं आज इनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है, बहुत दिलचस्प बात कही है। और वो दिलचस्प बात यह है कि उनका ये कहना है, सवाल पूछता है पत्रकार कि बट अपोजिशन सेज देयर इज अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। उसके जवाब में वो क्या कहते हैं, ये एक प्रतिनिधि आवाज है, ये रूलिंग जो पार्टी हमारी है, जो सरकार है, उसकी एक 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 ऐसी आवाज है जो सभी नेता, लगभग सभी मंत्री इसी तरह की बात करते हैं। इसलिए मैं राजीव प्रताप रूडी को अलग नहीं कर रहा हूं कि अकेले वही ऐसी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वो कह रहे हैं, अंग्रेजी में कह रहे हैं, आई डोंट हैव ऑन व्हाट बेसिस दे से दिस, आई डोंट नो, आई हैव नॉट मेट ए सिंगल पर्सन हियर हु हैज टॉक्ड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। ये जनाब कह रहे हैं कि मैंने एक व्यक्ति से आज तक मुलाकात यहां नहीं की जिसने कभी उनसे बेरोजगारी के बारे में बात की हो, यानी कभी जिसने कहा हो कि वो बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए। अब यह बात एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो भारत की संसद का न केवल सदस्य है, सत्ताधारी दल का एक प्रमुख नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मंत्री रह चुका है। दुनिया के सारे मुल्कों में, दुनिया भर में सब जानते हैं कि भारत एक बड़ी आबादी का देश है जहां बहुत बड़ी आबादी अनएम्प्लॉयड है। 1.25 करोड़ लोग तो साल भर में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। नोटबंदी के बाद क्या हाल हुआ अपने देश का, आंकड़े हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की जो परिभाषा हमारी सरकारी महकमों ने बनाई है उसमें 2 घंटे काम करने वाला आदमी भी 24 घंटे में एम्प्लॉयड मान लिया जाता है, जिसकी आमदनी महीने भर में अगर कुल मिलाकर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपल्ली भी हो तो उसको भी इस देश में एम्प्लॉयड मान लिया जाता है। कमाल की बात है, ऐसे ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे ऐसे फार्मूले हैं, फिर भी इस देश में करोड़ों करोड़ों की आबादी अनएम्प्लॉयड है। गांव में जाइए, शहरों में जाइए, मैं सरकारी आंकड़ों के जंजाल में नहीं आपको डालना चाहता, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई हमसे मिला नहीं आज तक जो अनएम्प्लॉयमेंट की जिसने शिकायत की हो, तो मैं समझता हूं कि ये भयानक बात है। तो बीजेपी के जो मित्र हैं, जो समर्थक हैं, वो ये कह सकते हैं कि बालाकोट पुलवामा पर उनको भारी संख्या में वोट मिल रहा है, लेकिन मैं जो समझता हूँ गांव, कस्बों, शहरों में जाते हुए मुझे जो लगा कि लोग रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, लोग बाजार के बारे में सोच रहे हैं, लोग पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, टेलीविजन चैनलों की जो बहसें हैं, जो उनकी खबरें हैं, उनके दिमाग को पलटने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब आप आइए यूपी को देखते हैं। यूपी की 80 में 73 सीटें पिछली बार जीती थी बीजेपी ने। वो विपक्षी जो गठबंधन है वहां उसको गंभीर चुनौती इस बार दे रहा है, और विपक्ष के पास अर्थमेटिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। गंगा जमुना के मैदान में भाजपा की पुरानी सोशल इंजीनियरिंग यकीनन फेल कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आशंकित हैं कि भाजपा के पास इस बार सोशल इंजीनियरिंग नहीं है तो क्या हुआ, वो कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग से विपक्ष की संभावित बढ़त को बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है। मैं टेक्नोलॉजी मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए इस बाबत मैं कुछ नहीं कह सकता, पर यह बात आईने की तरह साफ है दोस्तों कि हिंदी हार्टलैंड में मोदी और भाजपा की भगवा राजनीति को दलित, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों की गोलबंदी ने किसी तरह की लहर बनने से रोक दिया है। इसी गोलबंदी का नतीजा है कि हाल में मोदी जी का 1 मई का बहुत प्रचारित किया गया था अयोध्या दौरा भी टाए टाए फिस हो गया। दक्षिणी राज्यों में भाजपा को कर्नाटक के अलावा कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। पश्चिम में उसकी भगवा प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात में भी वो पहले की अपनी कामयाबी से शायद नीचे ही गिरेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसकी सीटें इतनी ज़्यादा थीं 2014 में कि उससे ऊपर होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कम होना अवश्यंभावी है। बिहार यूपी से बड़ी कामयाबी के संकेत अभी तक नहीं मिल रहे हैं। फिर बचता क्या है, बंगाल और उड़ीसा। मोदी और शाह दोनों ताल ठोंक रहे हैं कि दीदी के बंगाल में वे इस बार चमत्कार करके दिखा देंगे। बंगाल में विपक्षी खेमे में विभाजन और बिखराव है, ये बिल्कुल बात सही है, और एक पत्रकार होने के नाते मैं इस सच को स्वीकार करता हूं। ये सही है कि भाजपा ने बंगाल और उड़ीसा दोनों सूबों में अपना प्रभाव भी बढ़ाया है।
पर क्या वो सीटों के स्तर पर यहाँ इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेगी कि समूचे हिंदी हार्टलैंड की खोई हुई अपनी सीटों की भरपाई इन दो सूबों में कर सके? रंग बिरंगे राजनीतिक पर्यवेक्षकों, रिपोर्टरों, संपादकों, यहां तक कि बीजेपी के इनसाइडर्स का भी बड़ा हिस्सा इसका जवाब ना में दे रहा है। यही ना मोदी और भाजपा के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये मोदी है तो मुमकिन है के नारे को नामुमकिन होने की तरफ खींच रहा है, पर यह सारा कुछ जानने पर रखने के लिए हमें अगले 3 चरणों के चुनाव का इंतजार करना चाहिए, और सबसे बड़ा इंतजार तो 23 मई का जब नतीजे सामने होंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।